तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक ब्रांड न्यू BGMI के गेम प्ले वीडियो में। और आज जैसा मैंने बोला था, वॉइस ओवर के साथ आ चुका हूँ आफ्टर 1K। थैंक्स फॉर दी 1K सब्सक्राइबर मेरी फैमिली। एंड इसी के साथ मेरे पहले गेम में इतना इंटेंस सिचुएशन हो गया था, आप देखते रह जाओगे। तो फिलहाल के लिए हम यातनाएँ उतरे हैं और मुझे मिली है मशीन गन और AKM और वो ऊपर है बंदे। तो एक बंदा नॉक हो चुका है और एक 1 HP ऑलमोस्ट, तो उसको भी पकड़ते हैं। तो इन दोनों की पेटी डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से राइट में मेरे को फुटप्रिंट आ रही थी, तो वो रहा बंदा। चलो इसको मारते फटाक से। एक बंदे को डाउन कर दिया है, अभी फटाक से रश करते हैं और दूसरे बंदे को पकड़ते हैं। रिवाइव दे रहा है, ना भैया ना, हमारे होते हुए रिवाइव मिल जाए तुम्हें। तो फिलहाल के लिए हम लूट लेते हैं, हमें लूट दबोनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लूट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लूटता हूँ जितने मेरा टीममेट बोलता है भाई चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पे आए हैं और आगे बंदे हैं, तो आगे बहुत ज़ोरदार फाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा जाता हूँ मैं भी और एक आध किल उठा लेता हूँ टाइम पर ही, नहीं तो अदरवाइज लेट हो जाएगा। तो ये भाई अपने टीममेट को बचाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी पेटी उनके टीममेट के साथ बन जाएगी। और जितने भी मेरे को लेफ्ट से फुटप्रिंट आ रही थी भाई, मजाक से हटके मुझे ये बंदा दिखा तक नहीं था। झाड़ियों में एडजस्ट कर लिया, अदरवाइज मेरे को मार भी सकता था। चलो इसकी पेटी डालते हैं फटाक से, ये तो बोर्ड था। अब इसको लूट के आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत सारी चाहिए किल, ऐसे रुकेंगे तो नहीं चलेगा। और मैं यहाँ पे लूट दबा रहा था जितने में मेरा टीममेट बोलता है भाई मेरे पास बंदा है, देखते हैं उस बंदे को। भाई की प्लानिंग थी मेरे टीममेट की पूरी पेटी डालने की, लेकिन तुम्हारे भाई ने ऐसा होने नहीं दिया, बचा लिया अपने टीममेट को। अभी फटाक से रिवाइव देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल आपको मैं बताना भूल गया कि इस गेम में जो इंटेंस सिचुएशन हुए थे हमारे, एंडिंग में आप देखते रह जाओगे, आपको मज़ा आ जाएगा जो हिल बैटल हुई थी। तो फिलहाल के मैं यहाँ पे आ रहा था और आराम से देख रहा था इधर उधर बंदे ढूंढ रहा था, जितने में ही मुझे मिलने वाला था धप्पा, देखो। ये भाई ने सोचा इसको धप्पा देके इसका किल उठा लेंगे, लेकिन अभी हम उनके ऊपर रश करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्पाइडर मार के आया और मुझे अचानक से बंदा दिखता है। इस एक बंदे को डाउन करके हम फटाक से रश करते हैं ताकि उसको रिवाइव ना मिल जाए। बंदा सरप्राइज करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था वो खुद सरप्राइज हो जाएगा। तो हम उसके जाके आराम से पेटी डालेंगे और लूटेंगे दबा के। मेरे हिसाब से टीममेट नहीं है उसका, हाँ नहीं, अगर होता तो शायद अभी तक रिवाइव देने आ जाता। चलो भाई के लिए अच्छा है, अगली बार कभी ट्राई नहीं करेगा हम पे। अभी राइट से फुटप्रिंट आई मेरे को, भाई शायद इसका टीममेट ही था लेकिन मेरे को पता नहीं था, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको पकड़ा। और अभी देखो क्या इंटेंस सिचुएशन हो जाएगी, कैसे कैसे नॉक होंगे हम लोग, तुम बस देखते रहना। हमारे टीममेट उधर मार्क करते हैं, जितने में खुद ही नॉक हो जाते, पता नहीं कहाँ से पड़ती है। उनसे मैंने पूछा तो बोलते पता नहीं भाई कहाँ से पड़ी है। चलो अभी हमारी टीममेट है, रिवाइव तो देना पड़ेगा, बचाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे पीछे कूदता हूँ और स्मोक वोक करता हूँ टीममेट पे, जितने मेरे को राइट से फुटप्रिंट आई। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर थोड़ा पहले पता होता तो मार देता इसको। मैंने भी नेट खींचा और वो भी खींचेगा शायद, भाई ने तो मोली कर दी है। चलो कोई नहीं, हमने नेट किया है। अभी देखो इधर मोली आ गई तो मैं बचाने भी नहीं गया। देखो अभी मैं ये बिल्डिंग खाली करके आया था, अब भी तुरंत 2 मिनट भी नहीं हुआ मुझे और जितने में ये बंदे वापस आ गए। पता नहीं यासना में ये क्या लफड़ा है कि जब से ये इवेंट आया बंदे कहाँ कहाँ से कब आते हैं पता भी नहीं चलता है। अब भी जस्ट खाली करके आया मैं और अभी तुरंत आ गई, यही होता है भाई, क्या करते हैं। चलो कोई नहीं, तुम्हारे भाई को इसने दिला दिया गुस्सा, अब इनसे रिवेंज लेना बहुत ज़रूरी है, तुम बस नाम याद रखो। अब एंडिंग में कभी भी मिले हम इनको घुस के मारेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूँ अपार्टमेंट, मेरे टीममेट ने बुला लिया था मुझे और भाई से हमने ले लिए स्कारल। स्कारल तो ज़रूरी है लेना, एक UMP से क्या ही होगा। मेरे टीममेट ने दे दी स्कारल, तो अब हम पीछे से उड़ी मार के आराम से। ये शायद बोर्ड था, पता नहीं क्या था, कुछ समझा नहीं, लेकिन जितने में मेरे दूसरा टीममेट बोला था भाई मेरे पास बंदे हैं, मैंने कहा चलो देखते हैं फिर, और क्या बंदे तो मारते हैं।
एक बंदे को मैंने दबोचा, एक बंदे को मेरे टीममेट ने दबोच लिया। चलो जितने में यहाँ पे कोई गाड़ी लेके आ रहा था सर, डासिया की आवाज़ है, उसको भी पकड़ेंगे, पहले लूट लेते, थोड़ा लूट भी ज़रूरी है। मेरे टीममेट बोला था भाई नॉक के यहाँ पे, तो नॉक की पेटी डाल दी, मेरे को एक फॉकट का किल मिल गया। ये शायद सामने वाले बिल्डिंग वाले बंदों ने मारा रहेगा, तो अभी उस पर रश करते हैं, लेट्स गो। हाँ, इसी बिल्डिंग में दो बंदे हैं, वो फुटप्रिंट आ रही है, मैं चेक करता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे एनिमी ने लगा दिया है, तीनों ने मिलके यहाँ पे कैंपिंग, भाई ने एक नंबर कैंपिंग लगाई है, आप देखो बस, तीनों जन मिलके एक जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं है। भाई ये चौथा बंदा आया, जैसे ही मैं नॉक हुआ मैंने कहा भाई अब हो गया बेड़ा गर्क, अब कुछ ना होने वाला, अब चलो लॉबी में और खेलो नेक्स्ट गेम। जितने में हमारे भाई संभाल लेते हैं और ये चार नंबर भी आके हमारी हेल्प कर देता है। चलो हाँ भाई, हीलिंग करते हैं और यहाँ पे लूटते हैं। लेकिन तुमने कैंपिंग देखी इनकी, एक वो कोने में, एक ये कोने में, एक सामने, सब जगह फैले पड़े हैं बंदे। चलो अभी मेन बिल्डिंग में आ गए हैं और यहाँ पर भी एक फुटप्रिंट आ रही है, तो देखते हैं उसको भी फटाक से दबोच लेते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। चलो हम फटाक से रश करते हैं उस पर। चार नंबर इसके बाद मेरे को गाली दे रहा होगा बेचारा, बहुत डैमेज दिया, लेकिन मैं एंडिंग में आके दो गोली मार के, जस्ट दो गोली मार के भाई को किल चुरा लेता हूँ भाई का। और वहाँ पे स्मोक में बंदे, हल्का सा डैमेज, भाई की बेटी हम पूरा डालेंगे। मेरा टीममेट नीचे इंतज़ार कर रहा है कि भाई चल गाड़ी में चल अपन रश करेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, इसकी बैटरी पूरी डालेंगे। और इधर हम आए, जितने मैंने देखा यहाँ पे बग्गी कभी होती नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं चलो रुक के इसका निपटाते हैं, यहाँ पे कोई है तो। ये देखो भाई बंदा ग्लेशियर लेके रैंक पुश करने की सोच रहा है, देखो कैसे एक शेक में बैठा है, पता नहीं क्यों बैठा है लेकिन एक शेक में बैठा है। जितने मैं यहाँ पे आया मुझे भी बंदा दिखा, ये तो एक ही था, इसको पकड़ा। और अभी देखो बस, अब जो इंटेंस मामला फिर से होगा। पहले तो फ़िलहाल हम यहाँ पे आ गए हैं और जितने में हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होता है और ये शेल्टर में नीचे बंदे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसकी गाड़ी चुरा के भाग जाते हैं यहाँ से और बोलते हैं हमें शेल्टर में नहीं जाना भाई, अंदर बहुत गंदी कैंपिंग लगी हुई है, कैंपिंग से मरेंगे, इससे अच्छा रश करके मरे, कुछ मारे मरे। और ये एक बंदा लेटा पड़ा दिखा मेरे को, ये रहा। सच बताऊं तो मुझे यहाँ पे दिखा ही नहीं था ये बंदा, मेरे टीममेट ने बताया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको दिखे हमें दिखे एक ही बात है, एक एक किल मिल रहे हैं भाई, एक एक किल। अब एक एक किल में क्या होगा सोचो तुम, यहाँ पे चाहिए स्कोर, बहुत सारे किल। इसके टीममेट ने मेरे टीममेट की पूरी पेटी डाली, मैंने इसके टीममेट की पेटी डाली, हिसाब बराबर, लेकिन ऐसे हिसाब बराबर नहीं होगा। अभी हम हीलिंग करके ऊपर जाएंगे, उस बंदे को भी मारना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आगे जाके हमें डस लिया तो क्या पता कहाँ लेटा कहाँ के बैठा है। आजकल के बंदे जिस पे स्पाइडर मिलता है ना, इस पे आके कैंपिंग ही करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बोलें उनको, कुछ बोले तो भी क्या ही बोल सकते हैं, मन तो रहा बहुत ज़ोर से गाली दूँ बट जाने दो। भाई कसम से मजाक से हटके मेरी खुद की पड़ गई, मेरी HP देखो। मैंने मेरे टीममेट को बोला भाई ऊपर है थोड़ा कवर दे मेरे को, अगर कहीं दूर से पड़ गए तो भाई लग जाएंगे मेरे। तो फिर मैं यहाँ पे चढ़ता हूँ और अभी यहाँ पे देखो बंदे दिखते हैं, देखो शेल्टर के बाद जिनकी हम गाड़ी लेके भागे थे ना, अब वो बंदे अब बाहर आएंगे। ये रहे नॉक, एक बंदा उनका नॉक है, तो अभी हमें रश करना पड़ेगा नहीं तो बाद में लेट हो जाएगा। तो मैं स्पाइडर मार के नीचे जाता हूँ और हमारे टीममेट को बोलता हूँ भाई गाड़ी लेके अब फटा के उनके पे रश करना है। तो चलो हम जाते हैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे हो चुका है स्मोक, और अभी देखते हैं बंदे कहाँ पे, कहीं ना कहीं तो लेटे रहेंगे या फिर अंदर घुस गए रहेंगे। ये कैंपर की प्रजाति क्या ही बोल सकते हैं इनको, भाई अंदर घुस गए ऐसा लग रहा है। रिवाइव लो, अंदर जाओ, रिवाइव लो, अंदर रहो। ये सांप से भी बुरे बंदे हैं भाई, शेल्टर में यहाँ पे मिल जाता ना इनको जोन, तो ये अंदर ही बैठे रहेंगे। अब एकदम शांति थी, अब जो फायरिंग होगी भाई,
भाई अलग ही बंदे थे भाई। मेरी एचपी देखो, मेरी खुद की 10 HP, मेरे टीममेट को पूरा नॉक कर दिया है, और मेरे 3 नंबर की भी HP देख लो भाई, उसकी भी ऑलमोस्ट डाउन है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे हीलिंग करूँ, और मेरा टीममेट उसको बचाने की कोशिश करता है मेरे टीममेट को, बट बचता नहीं है, क्या करें। जितने में सामने बंदे दिखते हैं तो मैंने कहा ये सबसे पहले शेल्टर वालों को ही धरते हैं, अंदर बैठे हैं, सांप बने हुए हैं। तो मैं चला शेल्टर वाले को मारने के लिए, भाई पीछे से आएंगे, कब धप्पा करेंगे पता भी नहीं चलेगा। मैं आगे वाले से फाइट लेते हुए रह जाऊंगा और ये लोग पीछे से आके धप्पा कर देंगे। तो मैं बोलता हूँ चल भाई पहले इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मार के जा सकते हैं। ये देखो कितनी गंदी कैंपिंग करके बैठे दोनों जन, जिन्हें हमारा टीममेट घुस जाता हम भी घुसेंगे। भाई देखा कैंपिंग, देखा इनकी, दो जन बैठे पड़े मुंह पे, ताकि कोई भी बंदा गलती से देख ले उन्हें पूरी पेटी डाल देंगे, पूरी गोली पे से हाथ हटाने का सोचेंगे भी नहीं, बटन के ऊपर से मतलब उंगली हटाएंगे भी नहीं, इतना फायरिंग करेंगे पूरी पेटी डालेंगे। अंदर वाले को निपटा दिया है, तो अभी हम आगे देखेंगे। और आगे भाई जोन बहुत गंदा बना है ना, हमारे पास गाड़ी है और जोन वो पत्थर पर बना है, और वो पत्थर पर ऑलरेडी बंदे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा टीममेट बताता है कि भाई लेफ्ट में भी बंदे हैं, आगे भी बंदे हैं, और जोन पूरा सामने है। तो एक काम करते हैं, हम लोग हिल बैटल करने की कोशिश करते हैं, हमारे गेम में पहली बार। मैंने कहा हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है, मरने से अच्छा है कि चिकन लेके मरो। तो मैं भी यहाँ पे हीलिंग उठाना स्टार्ट कर देता हूँ, जितनी भी हीलिंग रहती है उठा लेता हूँ, और हमारे टीममेट भी उठा लेते हैं हीलिंग। मेरे टीममेट को मैंने बोला भाई तेरे पास जितनी भी हीलिंग है मेरे को दे दे, तो उसने दे दी थी, तो अब मैंने उसकी हीलिंग ले ली है। तो अब भाई कुछ नहीं कर सकते, अब बस मैं हीलिंग करूंगा और कोई हीलिंग नहीं करने वाला है। और ऊपर देखते हैं, पता नहीं 3 बंदे हैं उनके पास बहुत सारी हीलिंग रहेगी, तो मामला होने वाला इंटेंस भाई। रुके रहो बस, देखते रहो। देखो आ गया है जोन, बहुत क्लोज आ गया है। मैं सोचता हूँ ड्रिंक व्रिंक करके, या भी हमारे टीममेट हमको ट्रिब्यूट देंगे। देखो बस ऊपर बंदे पागल हो गए हैं, फायरिंग वायरिंग करे जा रहे हैं। भाई ऊपर बंदे पागल हो गए, फायरिंग करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, पता नहीं उनको क्या है। सर ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपनी मौत को, खुद की मौत को ट्रिब्यूट देंगे भाई लोग। देखो अब तुम बस, अब जोन आना स्टार्ट हो गया है और तुम्हारा भाई हीलिंग करना स्टार्ट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम आपको मिलते हैं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना तुम्हारे भाई को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।